वहीं लगभग 9 साल पहले एक ऐसी फिल्म आई जिसकी कमाई ने बॉक्स ऑफिस डूब गया था। फिल्म में नजर आई एक बच्ची स्टार बन गई थी। कमाल की बात है कि इस मूवी को 3 बंडे सितारों ने ठुकरा दिया था, लेकिन जब मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया तो सभी मुंह खुला रह गया था। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान साल 2015 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इसमें सलमान खान, करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अहम रोल निभाया था। वहीं हर्षाली मल्होत्रा भी फिल्म का हिस्सा थी। इस मूवी की कामयाबी के बाद हर किसी के जुबा पर हर्षाली के किरदार मुन्नी का नाम चढ़ गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान की बजरंगी भाईजान के लिए पहली पसंद आमिर खान थे। उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव की मांग की थी, लेकिन मेकर्स ने स्क्रिप्ट में कोई भी चेंज करने से मना कर दिया था। यही वजह थी कि आमिर खान ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इसके बाद साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को बजरंगी भाईजान ऑफर हुई। उन्हें स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी, लेकिन दूसरे फिल्मों में बिजी होने के बाद वो बजरंगी भाईजान का हिस्सा नहीं बन पाए थे। इसके बाद फिल्म के स्क्रिप्ट डायरेक्टर कबीर खान के पास पहुंची और उन्होंने सलमान खान को लेकर ये फिल्म बनाई। इस फिल्म को सलमान खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स के तले प्रोड्यूस किया था।